हाय दोस्तों। तो दोस्तों, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे इस प्रकार का भी वीडियो कभी YouTube पे बनाना पड़ेगा, लेकिन क्या ही करें, जो भी मुसीबत आता है, खुशी भी होता है तो आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, और कोई मुसीबत भी आता है तो आप ही लोग मेरे फैमिली हो जिसके साथ इसको शेयर भी करना ज़रूरी है। अभी दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, अभी आप लोगों ने रिसेंटली देखा होगा कि मैंने एक नया घर भी बनाया है, और वो सब एक तरह से मान के चलो यूट्यूब के ही वजह से। मैं जितना यूट्यूब से अर्न करता हूँ, अच्छा खासा पैसा मैंने यूट्यूब से कमाया और उसी से मैंने नया घर बनाया। लेकिन नया घर का अभी सिर्फ ग्राउंड फ्लोर क्लियर हुआ है, अभी ऊपर का जो फर्स्ट फ्लोर है पूरा का पूरा बाकी है, अभी तक हाथ भी नहीं लगाया। अब दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, दो दिन पहले मैंने एक YouTube पे वीडियो डाला हुआ था अपने चैनल पर कि YouTube पे अगर बहुत सारा अभी प्रॉब्लम चल रहा है जिस वजह से अर्निंग एकदम नहीं हो रहा, जैसे ऐड नहीं चल रहा हमारे वीडियोज़ पे। चैनल मोनेटाइज है, वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन ऐड ही नहीं आ रहा। ये चीज़ मेरे साथ भी होने लगा, पहले नहीं हो रहा था, अब मेरे चैनल पे भी इफेक्ट हो गया है। ठीक है, डॉलर एकदम मतलब बन नहीं रहा है। पहले हम YouTube से लाखों कमाते थे YouTube सिर्फ एडसेंस से, अब हजारों में कमाने के लिए भी सोचना पड़ रहा है। मतलब अर्निंग पूरा एकदम ग्राफ जो है ना, यहाँ से यहाँ आ गया। सेकंड ये है कि गवर्नमेंट क्या किया कि जितना भी फैंटेसी एप्लीकेशन से अर्निंग एप्लीकेशन से, उसमें 28% का GST वाला नया रूल लगा दिया, जिस वजह से अब कोई भी ब्रांड मार्केट में रहा नहीं। अब ब्रांड नहीं रहा तो हमें प्रमोशंस नहीं मिल रहा। ब्रांड प्रमोशंस का मतलब होता है स्पॉन्सरशिप, जो कि आप लोगों को पता है बहुत अच्छा खासा पैसा मैं कमाता था एक टाइम। अब ब्रांड प्रमोशंस भी एकदम से आना बंद हो गया है जब से 28% GST लगा। अब ब्रांड प्रमोशन से भी पैसा नहीं आ रहा है, एकदम जीरो हो चुका है। महीने में एक भी प्रमोशन नहीं मिलता अभी के टाइम पे। एक टाइम हुआ करता था कि मेरे पास पेंडिंग में 4-5 जो ब्रांड प्रमोशन होता है स्पॉन्सरशिप पेंडिंग पड़ा हुआ रहता था, मुझे टाइम नहीं मिलता था वीडियो बनाने का। ये भी नहीं हो रहा। अब यूट्यूब पे एडसेंस से भी पैसा नहीं आ रहा है। मतलब अर्निंग का ग्राफ जो है यहाँ से यहाँ पहुँच चुका है। पहले मैं लाखों में अर्न कर लेता था यूट्यूब से, अब मेरा हजारों में कमाने के लिए मुझे सोचना पड़ रहा है। मतलब एक प्राइवेट जॉब कर लूँ तो यूट्यूब से इससे ज़्यादा मैं कमा लूँ, तो ऐसा परिस्थिति मैंने नहीं सोचा तो हो जाएगा। और मैंने सोचा था भाई YouTube से जैसा पैसा आ रहा आते रहेगा लाइफ टाइम, है ना, सबको ऐसा लगता है। और इसी वजह से मैंने क्या किया, जितना मेरा सेविंग्स था ना सब मैंने अपने घर पे लगा दिया। अभी नया वाला घर पे मैंने इंटीरियर में मतलब लाखों खर्चा कर दिया, इंटीरियर पे सिर्फ, पूरा घर का तो छोड़ दो, बहुत पैसा खर्च कर दिया। मतलब मेरा पूरा सेविंग खत्म हो गया, पैसा ही नहीं मेरे बैंक अकाउंट में, ऐसा सीन है। अभी है मतलब कुछ पैसे है, ज़्यादा पैसा नहीं बचा, और अर्निंग भी अब नहीं आ रहा, इसीलिए घर आधा अधूरा है। मैंने आप लोगों को अब तक छुपाया था कि ऊपर काम होगा, काम होगा, ऊपर काम कहाँ से होगा, पैसा रहेगा तब तो काम होगा। डेली ठेकेदार का कॉल आता है, इंटीरियर वाले का कॉल आता है कि पैसा नहीं मिल रहा, पेमेंट कीजिए तब काम होगा। तो पेमेंट अब मैं कर नहीं पा रहा हूँ, एक तो अर्निंग भी खत्म हो गया और सेविंग्स भी खत्म हो गया। अब ऐसा परिस्थिति मैंने नहीं सोचा था कि कभी यूट्यूब से ऐसा भी दिन देखने को मिलेगा। पता नहीं, हो सकता है घर को बेचना ना पड़ जाए, क्योंकि भाई पैसा तो अब चाहिए और अकाउंट में एकदम पैसा पूरा खाली हो चुका है, सिर्फ एक घर बचा। अब घर को रख के ही क्या करें जब पैसा ही ना रहा, पैसा मेन है ना, और घर तो वैसे भी गांव में एक पड़ा हुआ, वहाँ भी रह सकते हैं। तो अब देखते हैं, शायद से अब घर को जो है बेचना पड़ेगा। अरे यार फोन आ रहा है, एक मैनेजर का फोन है। हेलो। हेलो। हाँ हाँ सर, आपका 4-4 प्रमोशन आया हुआ है, आप वीडियोस ही नहीं दे रहे, ब्रांड बार बार कॉल कर रही है, पेमेंट भी करवाना है। 4-4 प्रमोशन है? हाँ, आप तो फोन ही नहीं उठा रहे हैं, इतना बिजी चल रहे हैं। अच्छा ठीक है ठीक है, भेजते हैं 2 घंटा में वीडियो भेजते हैं। ठीक है सर, जल्दी कीजिए, पेमेंट भी करवाना है।